सो हेलो गाइस, दिस इज साहिब खान। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये समर के लिए, जो इतने कंफर्टेबल नहीं है एसी के साथ और कूलर एक चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त का कूलर ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आप इसकी देख सकते हैं, ये 125 लीटर की इसकी टैंक है कैपेसिटी वाटर की, जो कि आप इसमें डाल सकते हैं इसके टैंक में। और इसके अलावा ये सिम्फनी कंपनी का है, मूवी कूल लार्ज साइज है इसका, बहुत ही अच्छा कूलर है, बहुत ही अच्छी स्पीड है। इसका फैन भी आप देख सकते हैं, वीडियो में शायद आपको थोड़ा कम लग रहा हो, लेकिन इसका लार्ज साइज़ है तो ये बहुत ही बड़ा और अच्छा फ़ैन इसका चलता है। और इसके इधर ये कूलिंग पैड्स हैं, आप देख सकते हैं। इसकी बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी हैवी बॉडी है ये प्लास्टिक में। और इसके अलावा यहाँ पर व्हील्स हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, तो काफ़ी हैवी व्हील्स हैं। आपने इतने हैवी व्हील्स किसी कूलर में देखे नहीं होंगे। इसके साथ इसको आपको लॉक का सिस्टम यहाँ मिल जाता है, जिसे आप लॉक कर सकते हैं। ये व्हील सब यहाँ पर लॉक हो चुके हैं। अब इसको मैं मूव करने की कोशिश करूँगा तो ये जल्दी से मूव नहीं हो पाएगा। सो दोनों व्हील्स में इसमें यहाँ पर लॉक है। इसके अलावा चार व्हील्स हैं, ये काफ़ी हैवी हैं, हैवी प्लास्टिक बॉडी है इसकी। पीछे से इसका देखेंगे हम, यहाँ पर इसके दो ये आइस बॉक्स हैं, यहाँ पर आप अपना आइस रख सकते हैं, जिससे थोड़ी और कूलिंग करेगा ये बढ़िया। उसके अलावा दूसरा यहाँ पर ये सिस्टम दे रखा है इन्होंने, जहाँ पर आप पाइप लगा के इसमें वाटर भर सकते हैं इसमें। इसके अलावा ये एक ऊपर भी है, जहाँ पर आप आइस वगैरह रख सकते हैं, इसको खोल कर इसको आप ऐसे ही देख सकते हैं। एक दूसरा आइस बॉक्स यहाँ पर भी है इसका साइड में, ठीक है। तो ये काफ़ी हैवी इसकी बॉडी, सबसे बढ़िया मुझे इसकी बात लगी है, इसकी बॉडी बहुत अच्छी है, ईजीली क्लीनेबल है। और उसके बाद जैसे कि अगर आप इसे समर आपके हो चुके हैं, उसके बाद हम इसे जब रखते हैं तो काफ़ी डस्ट वगैरह आ जाता है अंदर भी, तो उसके लिए सेफ रहेगा ये। आप इसको इस तरह से बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। अब बिल्कुल इसकी पंखड़ी वगैरह नहीं नज़र आ रही हैं, अंदर इसके धूल भी नहीं जाएगी, आराम से इस क्लीन रहेगा बिल्कुल आपका ये विंटर्स में भी। उसके बाद मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ। अभी इसमें मोड्स जो हैं, ये कूलिंग का मोड्स है, सिर्फ यहाँ पर कूलिंग करेगा, ये स्विंग नहीं करेगा। उसके अलावा यहाँ पर है स्विंग प्लस कूल, सो ये स्विंग के साथ इसमें वाटर भी चलेगा, तो जो कि कूलिंग करेगा। और यहाँ पर है फिर स्विंग, सो सिर्फ ये कूलिंग नहीं करेगा, सिर्फ स्विंग होएगा। यहाँ पर मोड्स हैं हाई, मीडियम और लो। मैं आपको इसको थोड़ा चला कर दिखा सकता हूँ, ये आपकी इसकी, ये तो मुझे ही पता लग पाएगा, लेकिन वीडियो में आपको इतना पता नहीं चल पाएगा इसकी कूलिंग का, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि और कूलर के हिसाब से इसकी कूलिंग बहुत ज़बरदस्त है। अमेजोन पे दोस्तों ये अवेलेबल है 125 लीटर के साथ कैपेसिटी है इसकी 125 लीटर, और ये वॉट लेता है 215 वॉट लेता है सिर्फ। ये काफ़ी बढ़िया कूलर है, हैवी प्लास्टिक है। आप इसको अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। इसकी प्राइस अभी लगभग है 20,000 के आसपास, और हो सकता है ऊपर नीचे होता रहता है, आप अमेजोन पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।